हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे आईपीआर के अंडर पेटेंट लॉ यूजीसी नेट के हिसाब से। जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि लंबा लेक्चर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पिछले वाले वीडियो में बताया था, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी दो चीज़ों में डिवाइडेड, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी चार चीज़ों में डिवाइडेड, उसमें आज हम पढ़ेंगे पेटेंट्स। ये होगा हमारा इंडेक्स ऑफ द वीडियो, हम सब ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। पेटेंट डेफिनेशन, पेटेंटेबिलिटी वगैरह वगैरह, लेजिस्लेशन, प्रोसीजर ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, ग्राउंड ऑफ अपोजिशन, लिमिटेशन, एक्सेप्शन, इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडीज। तो ये हमारा मेन मेन सिलेबस है इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट बेसिकली गिवन फॉर इन्वेंशन, जैसे कॉपीराइट अपने म्यूजिकल वर्क्स वगैरह के लिए और लिटररी ड्रामेटिक वर्क्स वगैरह के लिए दिया जाता है, आर्ट एंड लिटरेचर के लिए। पेटेंट इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, तो बेसिकली साइंस से रिलेटेड है। इन्वेंशन का क्या मतलब हुआ? 2J, सेक्शन 2J ऑफ पेटेंट एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। या तो उसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, दोनों, ठीक है, या तो नहीं, दोनों, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दोनों होनी चाहिए और एक नॉवल्टी भी होनी चाहिए, आगे पढ़ेंगे। पेटेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2M में दे रखी है। सेक्शन 2M में बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। पेटेंट क्या है? जो इन्वेंशन के लिए दिया जाता है इस एक्ट में, वो पेटेंट है। इन्वेंशन 2J, पेटेंट 2M। नेक्स्ट बात आती है ऑफिशियल डेफिनेशन की। अब पेटेंट इज डिफाइंड, स्टैट्यूटरी प्रिविलेज होती है ये, ठीक है, गवर्नमेंट देती है ये, इन्वेंटर्स को मिलती है, फिक्स्ड ईयर्स के लिए मिलती है और सारे राइट्स उस चीज़ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और प्रोसेस पे भी मिल सकता है पेटेंट और प्रोडक्ट पे भी मिल सकता है पेटेंट। क्या मतलब हुआ प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट का? इन दोनों का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस पेटेंट, मान लो एक आइटम है, ठीक है, कोई दवाई है, ठीक है, ये दवाई की बॉटल है, बहुत अजीब सी बॉटल, लेकिन ये बॉटल है, फ्लास्क है ये, फ्लास्क, इसमें दवाई बनाई, ये किसी प्रोसेस के थ्रू बनी, तो एक इस प्रोसेस को पेटेंट करा देना और एक इस दवाई को पेटेंट करा देना, अलग अलग चीज़ हो गई ना। ये दवाई अगर पेटेंट हो गई तो आप ये प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से आओगे, इट इज़ नॉट अलाउड। लेकिन अगर प्रोसेस पेटेंट है ना, तो ये दवाई पे पेटेंट नहीं है, तो ये दवाई आप दूसरे दूसरे प्रोसेस से अगर बना रहे हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे प्रोसेस से बना रहे हो, एक्सेप्टेबल है, समझ रहे हो? प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट निकल रहा है, प्रोसेस किस प्रोसेस से बन रहा है। अब बात आती है कितने टाइम के लिए पेटेंट मिलता है। 20 साल के लिए मिलता है, सेक्शन 53 में दे रखा है, 20 साल के बाद वो ऑफ पेटेंट हो जाता है। 3 टेस्ट्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी। सबसे पहला नॉवल्टी, वो आइटम नॉवल होना चाहिए, नया होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं किया गया होना चाहिए वर्ल्ड में, पहली सेल के साथ नॉवल्टी लॉस्ट हो जाती है। यूटिलिटी, उसकी कोई कमर्शियल यूटिलिटी होनी चाहिए और वो फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी से आना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंसेज या ऐसी किसी फील्ड से आना चाहिए, तभी वो पेटेंट होगा, ठीक है। लिटरेचर विटरेचर के पेटेंट नहीं होते, ठीक है, वो कॉपीराइट में आ जाता है। इन्वेंटिवनेस होनी चाहिए, मतलब पहले से मान लो कोई इन्वेंशन है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा एडिशन कोई ऑर्डिनरी स्किल से या ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी से, ये इधर ही आएगा, ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी से अगर उसमें कोई एडिशन करते हैं तो वो पेटेंट के लायक नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो ऑर्डिनरीली अवेलेबल है ना हमारे पास रिसोर्सेज और इन्वेंशंस, उनसे कुछ नया होना चाहिए, वो इन्वेंटिवनेस होनी चाहिए। तो ये 3 टेस्ट्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी, नॉवल्टी, यूटिलिटी और इन्वेंटिवनेस। अब बात करते हैं नोवार्टिस केस की। इस केस में क्या डील हुआ था? एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट हुआ था। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एक दवाई है, ठीक है, नोवार्टिस के पास एक दवाई थी, उन्होंने क्या उस दवाई में थोड़ा बहुत चेंज करा, ठीक है, और कुछ बेनिफिशियल चेंज एक्चुअली हुआ नहीं, मतलब उस दवाई का असर में कुछ ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज आया नहीं, लेकिन उन्होंने फिर वो नई दवाई को थोड़ा बहुत चेंज करके पेटेंट कराने की ट्राई करी, ताकि उनका पुरानी दवाई का पेटेंट एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली मान लो मेरे पास एक इन्वेंशन है, उसका 20 साल का पेटेंट है, 20 साल एक्सपायर हो रहे होंगे, तो मैं उस इन्वेंशन में कुछ एक एक्स्ट्रा फर्जी का काम करूंगा और प्लस 20 साल और मिल जाएंगे मेरे को नए इन्वेंशन के नाम पे। तो ये होता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, ज़बरदस्ती उसमें कुछ एडिशन करके, हल्का फुल्का इन्वेंटिव स्टेप डाल के, और उसको वापस पेटेंट करा लो। तो कोर्ट ने मना कर दिया, नई मेडिसिन जो आप पेटेंट कराने की ट्राई कर रहे हो ना, वो स्लाइटली ऑल्टर्ड है, बेटर नहीं है, ठीक है, बस वो अलग है, इट्स नॉट बेटर, इट्स जस्ट डिफरेंट, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट वर्जन ऑफ अ ऑलरेडी पेटेंट मेडिसिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं भाई, तुम एवरग्रीन करा लोगे पेटेंट को, गरीबों को दवाइयां मिलेंगी नहीं ऐसे महंगे महंगे में, तो ये अलाउड नहीं है। ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग एवरग्रीनिंग अलाउड नहीं है? सेक्शन 3D के अकॉर्डिंग कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स अलाउड। नेक्स्ट बात आती है प्रोसेस पेटेंट वर्सेस प्रोडक्ट पेटेंट की, ठीक है। प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है? पेटेंट ग्रांट होता है पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए और प्रोडक्ट के लिए नहीं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मान लो स्टेप है ये, ए स्टेप है प्लस बी स्टेप है प्लस सी स्टेप है इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है ना बनाने के, इन पे पेटेंट मिल जाएगा। तो मान लो कोई कंपनी अगर ए प्लस बी प्लस डी
प्लस समथिंग समथिंग करके अगर प्रोडक्ट पे आ रही है ना, तो ये वाली जो चीज़ है ये अलाउड हो जाएगी अगर प्रोसेस पेटेंट मिला हुआ होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट पेटेंट मिला हुआ होगा ना, तो ये चीज़ अलाउ नहीं होगी। कोई से भी प्रोसेस से आप आ जाओ, वो नहीं होगा अलाउ, क्योंकि प्रोडक्ट पे ही पेटेंट है। तो इसका घाटा क्या है? इसका घाटा ये है कि प्रोटेक्शन कम मिलता है इन्वेंटर को। किसी इन्वेंटर ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके थोड़ा प्रोसेस चेंज करके आप दवाई बना लोगे, ठीक है? आप कुछ भी चीज़ बना लोगे प्रोडक्ट, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करके, ठीक है? कॉपिंग की हाई टेंडेंसी है ना, देर इज़ हाई टेंडेंसी फॉर कॉम्पिटिटर्स टू री इंजीनियर द ओरिजिनल इन्वेंशन बाई डिस्कवरिंग अ न्यू प्रोसेस विद लेस स्ट्रेन एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? ये मोनोपोली हटा देता है। और ये मोनोपोली हटाने वाली चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री जो है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें ऐसा सीन रहता है कि देखो, उसमें दवाई कोई फार्मा कंपनी बना लेती है ना, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन पे बेचती है। जो जेनेरिक कंपनियाँ होती हैं, वो उससे 50 गुना कम रेट पे दवाई बेच सकती है, तब भी प्रॉफिट कमा सकती है। लेकिन कोई कंपनी ने सालों साल रिसर्च करी है, वो क्यों अपना सस्ते में बेचेगी? उनको पता है उन्हीं के पास पेटेंट है, वही दवाई बेच सकते हैं। और दवाई किसी को खरीदनी है तो खरीदनी पड़ेगी, ठीक है? मर तो जाएगा नहीं आदमी। तो ट्रिप्स भी बोलता है कि प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट की तरफ आओ। तो ट्रिप्स प्रेफरेंस देता है प्रोटेक्शन फॉर द इन्वेंटर को। लेकिन अपनी इंडियन गवर्नमेंट प्रोसेस पेटेंट भी देती है फार्मा इंडस्ट्री में, क्योंकि वही भाई देश का भला करना है, फोकट में दवाइयाँ देनी है। ऐसे थोड़ी ना सिर्फ फार्मा कंपनियों का बेनिफिट नहीं देख सकते, अपन को डेवलपमेंट देख के चलना है। तो बैलेंस बना के चलना है, पेटेंट जो इन्वेंटर है उसके राइट में और जनरल पब्लिक की वेलबींग में, ठीक है? तो प्रोसेस पेटेंट वर्सेस प्रोडक्ट पेटेंट। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की, पेटेंट की थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। फर्स्ट पेटेंट स्टैट्यूट कौन सा था वर्ल्ड का? वेनिशियन पेटेंट स्टैट्यूट ऑफ मार्च 1474। 550 साल पहले पहला पेटेंट स्टैट्यूट बना था, रिपब्लिक ऑफ वेनिस ने बनाया था, ठीक है? इंडिया फर्स्ट एक्ट इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला था 1911 में। 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट जो अभी चल रहा है वो पास हुआ था। 1972 में पेटेंट रूल्स पास हुए थे। अपने पेटेंट एक्ट के हिसाब से प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट दोनों दिए जाते हैं। प्रोसेस पेटेंट मेनली फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही दिया जाता है, ठीक है? वही जनता का भला दिमाग में रखते हुए। 1995 में इंडिया ने WTO ज्वाइन किया, ट्रिप्स की वो पार्टी बनी। और 2005 में नया पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट आया नए ट्रिप्स गाइडलाइंस के हिसाब से। लेकिन अभी भी प्रोसेस पेटेंट मिलता है। पेटेंट एक्ट 1970 के कुछ फीचर, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म है इसमें टू डिस्पोज ऑफ अपील, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज है, प्रोविजन टू डील विद पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और रेवोकेशन ऑफ पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑल्सो ऑन सिक्योरिटी कंसिडरेशन। वही वाला जिस रीज़न की वजह से अपन ने प्रोसेस पेटेंट रख रखा है, वो रीजन्स यही हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, हेल्थ इमरजेंसी वगैरह वगैरह। हमारा इंट्रो पूरा हो गया, पेटेंट मैंने बता दिया, डेफिनेशन, पेटेंटेबिलिटी के तीन टेस्ट, प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट, लेजिस्लेशन में हिस्ट्री और पेटेंट एक्ट के सेलियंट फीचर्स। अब अपन बात करते हैं प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट पे। अब देखो, प्रोसीजर तो बहुत लंबा है अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो पेटेंट के, लेकिन अपन एकेडमिक पर्पज से शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है, प्रोविजनल या कंप्लीट हो सकती है। मान लो आपका पेटेंट आधा ही कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं, तो आप प्रोविजनल फाइलिंग भी कर सकते हो और फिर कंप्लीट एप्लीकेशन आप बाद में दे सकते हो, ठीक है? कंप्लीट एप्लीकेशन कितना बाद में दे सकते हो? 12 मंथ आफ्टर प्रोविजनल एप्लीकेशन आप दे सकते हो। प्रायोरिटी डेट आपकी सेट हो जाती है जब आपने अप्लाई करा उसी दिन से, ठीक है? उसको बोलते हैं प्रायोरिटी डेट। प्रायोरिटी डेट इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ 20 ईयर होती है ना कि भाई कब तक, मतलब पेटेंट की 20 साल है ना टर्म, तो वो कब से डिसाइड होगी? वो प्रायोरिटी डेट से डिसाइड होगी जब आपने अप्लाई करा पेटेंट के लिए। फिर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। जो एप्लीकेशन आप दे रहे हो प्रोविजनल या कंप्लीट, वो इंडियन पेटेंट ऑफिस में जाती है। इंडियन पेटेंट ऑफिस फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट निकालता है वो एप्लीकेशन देख के, ठीक है? फिर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ऑब्जेक्शंस वगैरह अगर होते हैं, तो एप्लीकेंट को 12 महीने मिलते हैं वो ऑब्जेक्शंस से कंप्लाई करने के लिए, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनसे, ठीक है? वरना एप्लीकेशन अबैंडन्ड हो जाती है। और फिर एप्लीकेंट को 12 महीने मिलते हैं फ्रॉम फर्स्ट फाइलिंग डेट टू फाइल इन अ फॉरेन कंट्री। वो इंडिविजुअली भी फाइल कर सकता है पेरिस कन्वेंशन के थ्रू ईच कंट्री में, या फिर PCT के थ्रू हर सारी 153 कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकता है। अब ये PCT के थ्रू ऐसा नहीं उसको 153 कंट्री में पेटेंट मिल जाएगा, PCT के थ्रू जाता है तो एलिजिबल हो जाएगा और उसको टाइम मिल जाएगा सारी कंट्रीज़ में इंडिविजुअली अप्लाई करने के लिए। अप्लाई तो हमेशा इंडिविजुअली ही करना पड़ेगा, PCT थोड़ा यूनिफॉर्म बना देता है प्रोसेस को, ठीक है? तो जब वो बोल रहा है कि PCT के थ्रू सारी कंट्री में अप्लाई करना, मतलब सारी कंट्री का PCT के थ्रू प्रोसेस से करना, मतलब ऐसा नहीं सारी कंट्री में एक साथ अप्लाई हो गया। फीस तो आपको हर कंट्री में जाके अलग से ही देनी पड़ेगी। मान लो आप पेटेंट के लिए फाइल कर रहे हो और किसी को कोई दिक्कत है उससे, ठीक है? कोई अपोज करता है उसको कि यह पेटेंट इसने गलत फाइल कर दिया या इसको गलत मिल गया,
तो वो प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर सकता है और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन फाइल कर सकता है। प्री ग्रांट अपोजिशन कब फाइल होता है? वो फाइल होता है एप्लीकेशन पब्लिश हो जाती है उसके बाद, लेकिन पेटेंट नहीं मिला होता है। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन कब होता है? कि जब पेटेंट ऑफिशियल जर्नल में पेटेंट मिल जाता है कि हाँ भाई पेटेंट ग्रांट हो गया है। तो पेटेंट ग्रांट होने से पहले प्री ग्रांट अपोजिशन और पेटेंट ग्रांट होने के बाद पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, डिटेल्स ये दी रखी है। अब ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन क्या होते हैं? ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन हैं, इनको आप पॉज करो और पढ़ लो, क्योंकि मैं सारे पढ़ के बताऊंगा तो ये रीडिंग नहीं करनी है अपने को, इस वीडियो में जल्दी जल्दी निपटाना है, तो पॉज कर लो। कर लिया? अब जैसे वो ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन दे रखे थे ना, वैसे ही सेक्शन 3 में व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस भी दे रखा है, मतलब इन सारी कंडीशंस में आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो इसमें भी वही अपन पॉज वाला गेम खेलेंगे, पॉज करो, पढ़ लो, नोट्स बना लो। कर लिया? ये सारे पॉज कर लो, नोट्स बना लो, पढ़ लो, ये सारे, ठीक है? तो ये 15 पॉइंट्स जिसमें बता रखा है कि व्हाट आर नॉट इन्वेंशन सेक्शन 3 के अंडर में ये दे रखा है। अब देखो लिमिटेशंस थी कि क्या पेटेंट नहीं हो सकता, ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन होते हैं जब दूसरा अपोज कर रहा है तो किन किन ग्राउंड्स पे कर सकता है, एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब एक्सेप्शंस मतलब अलग से हटके, लिमिटेशंस तो जो इन्वेंशन है ही नहीं, ठीक है, और एक्सेप्शंस मतलब वो है इन्वेंशन लेकिन उस पर एक्सेप्शन मिल जाएगा, पेटेंट वाले राइट के ऊपर आपका एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 30 ऑफ ट्रिप्स बोलता है कि लिमिटेड एक्सेप्शन है टू द एक्सक्लूसिव राइट्स बाय पेटेंट, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ पेटेंट पे आप कुछ एक्सेप्शंस डाल सकते हो, लेकिन वो एक्सेप्शंस अनफेयरली प्रेजुडिस नहीं करने चाहिए टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द पेटेंट ओनर, ठीक है? तो ये चीज़ है, मतलब पेटेंट ओनर को तुम एकदम ऐसे नहीं नंगाई कर दो, पेटेंट ओनर के पास भी कुछ राइट्स रखने हैं, एक्सेप्शन रख लो पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन पेटेंट ओनर के पास राइट्स होने चाहिए। सबसे पहले एक्सेप्शन है कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक है, जब गवर्नमेंट अलाउ कर देती है दूसरे को प्रोड्यूस या प्रोसेस कोई यूज़ करने को जो पेटेंटेड है किसी और का पेटेंट ओनर की परमिशन के बिना, ठीक है, ये कब हो सकता है? 3 साल, पेटेंट आज मैंने कराया तो आज से 3 साल बाद मेरे पेटेंट के ऊपर ये हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला, रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंटेड इन्वेंशन हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड, जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो कोई दवाई है और जिस कंपनी का पेटेंट है वो दे ही नहीं रही, उतने स्टॉक में दवाई प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही मार्केट में, ऐसी सिचुएशन हो, दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ रीजनेबल प्राइस, बहुत महंगे में बेच रही है, और तीसरा कि दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्क्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये 3 रीजंस में दे सकती है कंपलसरी लाइसेंसिंग एक गवर्नमेंट किसी पेटेंटेड प्रोडक्ट पे, 3 साल हो जाने चाहिए, 3 साल इज द मतलब मिनिमम, 3 साल जब तक नहीं हो जाएंगे जब तक आप कंपलसरी लाइसेंसेज नहीं दे सकते, सेक्शन 84(1) कंपलसरी लाइसेंसेज। नेक्स्ट है रेगुलेटरी यूज़ या प्रायर यूज़ एग्जेम्पशन, ये कंपलसरी लाइसेंस से थोड़ा लाइट वाला मेजर मानो, पर्पस सबका वही है पब्लिक वेलफेयर, लेकिन ये थोड़ा लाइट है, क्यों? कंपलसरी लाइसेंस पेटेंट रजिस्टर होने के 3 साल बाद ही मिल जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है, और भी उसके रेगुलेशंस होते हैं। ये रेगुलेटरी यूज़ प्रायर यूज़ एग्जेम्पशन कब मिलता है? पेटेंट की लाइफ खत्म होने के 3 साल बचे हों, ठीक है, ऐसे बोलार प्रोविजन बोलते हैं, मतलब द बोलार प्रोविजन इज अ डिफेंस फॉर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट वेयर इन अ पेटेंटेड इन्वेंशन दैट इज ड्यू टू एक्सपायर इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स कैन बी एक्सप्लॉयटेड बाय थर्ड पार्टी सोलली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेज एंड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल्स व्हाइल द पेटेंट इज स्टिल वैलिड, मतलब पेटेंट खत्म होने वाला है उससे पहले ही 3 साल पहले उनको रिसर्च की इजाजत दे दो ताकि पेटेंट खत्म होते ही वो अपना प्रोडक्ट निकाल सकें हाथों हाथ, उनको उसके बाद वापस रिसर्च चालू नहीं करनी पड़े। तो ये हो गया रेगुलेटरी यूज़ प्रायर यूज़ एग्जेम्पशन, बोलार प्रोविजन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक यूज़ एक्सेप्शन, ये तो हर में अलाउड होता ही है, सेक्शन 47 के अंडर में अलाउड है भाई, साइंटिफिक और रिसर्च पर्पसेस के लिए और एजुकेशन पर्पसेस के लिए तो हम यूज़ करने देते हैं वैसे भी हर चीज़। फॉरेन वेसल एयरक्राफ्ट और लैंड व्हीकल एक्सेप्शन, अब इसमें क्या है, मान लो इंडिया में आपका पेटेंट है, ठीक है, यूएसए में वो पेटेंट आपका पेटेंट नहीं है, तो यूएसए में वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट या फॉरेन वेसल पे या लैंड व्हीकल किसी भी, तो वो फॉरेन वेसल एयरक्राफ्ट या लैंड व्हीकल इंडिया में आएगा ना अगर उसका, तो वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो? इंडिया में तो आपके पास पेटेंट है, दूसरी कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्री में वो व्हीकल अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में आता है, शिप विप तो आ ही सकती है, प्लेन आ सकता है, तो ऐसा नहीं वो प्लेन जैसे लैंड हो आप उसको पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए सू कर दो। तो ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 49 में। एग्जॉस्टन ऑफ पेटेंट राइट, ये देखो सिंपल है, जैसे ही आप मतलब जैसे ही आप बेच दोगे ना, फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन वाली बात है, एग्जॉस्टन डॉक्ट्रिन बोलते हैं फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन। इसका एग्जांपल लो, मान लो आपके पास एक नई तरह के छाते का इन्वेंशन है, कहीं पढ़ा था मैंने, ये वहीं से डाल रहा हूँ, कहीं नए तरह के छाते का आपके पास इन्वेंशन है और वो आपने बेच दिया,
तो आप किसी और को वो छाता प्रोड्यूस करने के लिए आप रोक सकते हो, लेकिन जो आपने ऑलरेडी छाते बेच दिए ना, जो अम्ब्रेलाज आपने बेच दिए पब्लिक में, वो अगर रीसेल कोई कर रहा है ना, तो उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। कॉमन सेंस है, लेकिन बता रहा हूँ मैं फिर भी, एग्जॉस्टन ऑफ पेटेंट राइट्स, ठीक है, फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन बोलते हैं इसको। तो हमने पढ़ लिया ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन, लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस, अब हमको पढ़ना है इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडीज। अब इन्फ्रिंजमेंट क्या होगा? इन्फ्रिंजमेंट होगा आपका पेटेंट है, कोई यूज़ कर रहा है, उसके पास कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, बेसिकली लॉ तोड़ रहा है, ठीक है। अब लॉ इज़ अ बैलेंस बिटवीन इनकरेजिंग एन इन्वेंटर टू इन्वेंट एंड अलाउइंग सोसाइटी टू ग्रो। तो एक्सेप्शन वगैरह, लिमिटेशन वगैरह हमने दे दिए, उसके बाद भी अगर तुम तोड़ रहे हो तो वो लॉ ब्रेकिंग है, ठीक है। एज पर प्रोविजन मेंशन इन द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, फॉलोइंग अमाउंट एज एन एक्ट ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट: कलरेबल इमिटेशन ऑफ द इन्वेंशन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट्स, कैरिंग असेंशियल फीचर्स ऑफ द इन्वेंशन, इमटेरियल वेरिएशन ऑफ द इन्वेंशन। ये तीनों समझ में आ गए, लेकिन मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट्स हियर मीन यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स फॉर सम फीचर्स। जैसे मान लो कोई मशीन है, तो उसके तीन चार ऐसे पार्ट हैं जुड़े हुए, ठीक है, तो वो पार्ट में से एक पार्ट उन्होंने चेंज कर दिया। अब देखो मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है, पता ही नहीं क्या बना, लेकिन एक पार्ट उन्होंने चेंज कर दिया टू ऑब्टेन द सेम रिजल्ट्स फॉर द सेम यूज एज डन बाय द पेटेंटी। तो ये सब नहीं अलाउड है, तो इन सारी चीज़ों में आप फाइल कर सकते हो फॉर इन्फ्रिंजमेंट। अब कौन फाइल कर सकता है, कहाँ फाइल कर सकता है, ज्यूरिसडिक्शन देखो मिलेगा, नो कोर्ट लोअर देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे मिनिमम कोर्ट है, उसमें फाइल करना पड़ेगा। कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अराइव हुआ वहाँ फाइल करो, या जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहाँ फाइल करो, सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी के हिसाब से। लिमिटेशन पीरियड इसका होता है 3 साल, जैसा कॉपीराइट में था, ठीक है। कौन फाइल कर सकता है? पेटेंटी फाइल कर सकता है, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी फाइल कर सकता है, कंपलसरी लाइसेंसी फाइल कर सकता है, असाइनी फाइल कर सकता है, ठीक है। एक और चीज़ है, सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट तभी फाइल हो सकता है जब आपको पेटेंट मिल गया हो, उससे पहले नहीं हो सकता। जो अपने प्री ग्रांट अपोजिशन वगैरह भी होते हैं और वो सब भी होते हैं, मतलब फाइल होने से पहले भी प्रोसीडिंग हो जाती है ना कई बार पेटेंट मिलने से, तो उसके लिए आप डैमेजेस फाइल, मतलब सस्टेन अगर आप करते हो उस वाले इन्फ्रिंजमेंट की वजह से, आपको जब असाइन हुआ है, मतलब जब पेटेंट आपको ग्रांट हुआ उससे पहले ही कोई इन्फ्रिंजमेंट करके फाइलिंग के बाद ही कर दे, मतलब जैसे आपने सिर्फ फाइलिंग करी, ठीक है। एक फाइलिंग वाला प्रोसेस होता है, ये देखो एक फाइलिंग वाला प्रोसेस होता है, और फिर एक आपको ग्रांट हो जाता है पेटेंट। तो आपने फाइलिंग कर दी लेकिन आपको ग्रांट नहीं हुआ, और यहाँ पे किसी ने इन्फ्रिंज कर दिया, तो उसके लिए आप अलग से सूट फाइल कर सकते हो। फॉर द डैमेजेस सस्टेन ड्यू टू द इन्फ्रिंजमेंट कमिटेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड डेट ऑफ ग्रांट, अ सेपरेट सूट फॉर डैमेजेस कैन बी इंस्टीट्यूटेड। लास्ट टॉपिक आता है हमारा रेमेडीज और रिलीफ प्रोवाइडेड, क्या क्या मिलता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी क्या मिलती है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी ये मिलती है कि आप जाओ कस्टम ऑफिसर के पास, कलेक्टर ऑफ कस्टम के पास, और उसको जाके बोलो कि प्रोहिबिट कर दो ये सारे गुड्स की एंट्री, डिटेल दे दो उसको, क्योंकि ये सब मेरा पेटेंट इन्फ्रिंज कर रहे हैं। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी। सिविल रेमेडी में देखो इंजंक्शन मिल सकता है सेक्शन 108 के अंडर, और डैमेजेस मिल सकते हैं 108 के अंडर। इसके अलावा कोर्ट एक तरह से कॉन्फिस्केशन ऑर्डर भी दे सकता है, कॉन्फिस्केट कर लेता है कमिश्नर जाके सारा का सारा, पूरा का पूरा जितना आपका पेटेंट इन्फ्रिंजिंग माल है डिफेंडेंट की इन्वेंट्री के में जाके, ठीक है। तो ये ऑर्डर 39 रूल 7 सीपीसी के थ्रू मिलता है। अब इसके अलावा इन्फ्रिंजमेंट के अलावा, मान लो आपका पेटेंट है, कोई आपको ग्राउंडलेस थ्रेट दे रहा है, आपका खुद का ही पेटेंट है लेकिन कोई बोल रहा है सू कर दूंगा सू कर दूंगा, तो उसके लिए भी आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। अगर थ्रेट अनजस्टिफाइबल है तो आप उस अग्रीड पर्सन के खिलाफ क्या क्या ले सकते हो कोर्ट से? डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट थ्रेट्स आर अनजस्टिफाइबल, डिक्लेरेशन ले सकते हो, इंजंक्शन ले सकते हो अगेंस्ट द कंटिन्यूशन ऑफ थ्रेट, और डैमेजेस ले सकते हो अगर आपने कोई सस्टेन करे हैं तो। तो गाइज़ ये हो गया पेटेंट लॉ कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बहुत कम लोग होते हैं जो एंड तक देखते हैं इतना लंबा वीडियो, लेकिन आपने देखा तो आपके मार्क्स जरूर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेट। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।